नए वीडियो में आपका स्वागत है। अभी हम अहमदनगर में हैं और ये श्री शिवाजी महाराज चौक इस ब्रिज के नीचे। आज के इस वीडियो में अहमदनगर को एक्सप्लोर करने वाले हैं, पूरे वीडियो में बने रहें। और यदि इस लोकेशन की बात करूं तो यहाँ पास में ही इधर इस पिलर के पास लेफ्ट साइड में पूना बस स्टैंड है, अहमदनगर का जो मेन बस स्टैंड है। ये जैसे बसें जा रही है वहीं जा रही है, तो पूरा वीडियो देखिए, आपको पूरी जानकारी अहमदनगर की मिलने वाली है। आइए वीडियो शुरू कर देते हैं। और ये यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का एक पुतला बना हुआ इसी ब्रिज के साथ में ही। और ये साथ में कृषि मंडी। और ये देखिए आप क्या अच्छा सा एक डिज़ाइन कर रखा है यहाँ ब्रिज के नीचे। और ये यहाँ का व्यू है। और ये अभी मैं यहाँ आ गया हूँ, ये एक गढ़ जैसा गेट बना हुआ और ऊपर झंडा लगा हुआ। और ये यहाँ पर पूरा व्यू ऊपर का। और यहाँ हमने भाई के पास पाव बड़ा खाया इसी चौक के ऊपर, मालीवाड़ा ये चौक। और ये हमारा आज का होटल। औरंगाबाद पान ये यहीं पे अहमदनगर में इसी चौक के ऊपर ये भाई बैठे हैं। और ये यहाँ विशाल गणपति सिद्धि विनायक। और ये बड़ा मंदिर सिद्धि विनायक का, विशाल गणपति का। और ये टेंट कुछ लगा रहे हैं, कुछ प्रोग्राम होने वाला है ऐसा लगता है। ये देखिए चारों तरफ टेंट लगा रखे हैं और उधर सामने भी आगे तक ये टेंट लगे हुए हैं, तो कुछ बड़ा प्रोग्राम यहाँ होने वाला है ऐसा लगता है। और ये विशाल गणपति के पास ही अखाड़ा है, तालीम सेंटर, छज्जे के नीचे लिखा हुआ है ये। और ये विशाल गणपति से आगे थोड़ा चलते ही इसी मार्केट के अंदर एक दरगाह बना हुआ है बीच के अंदर। और ये दरगाह का नाम लिखा है यहाँ पर, एक ये पेपर लिखा हुआ है, हजरत सैयदाना मोहम्मद सिद्दीक उर्फ बाबा जान। और ये पंचपीर चावड़ी, थोड़ा सा आगे आते इधर से हम चल के आए हैं। ये यहाँ का पूरा व्यू है। और ये रफीक भाई की दुकान, ये रफीक भाई केला मर्चेंट, बनाना मर्चेंट बोलेंगे, केला मर्चेंट तो आधा हिंदी आधा इंग्लिश हो जाएगा, तो बनाना मर्चेंट है। इनके पास थोड़ा सा बैठ गया और दो बातें भी हुई और ये यहीं से मैंने रिकॉर्डिंग भी कर लिया। और अभी इधर से रफीक भाई की दुकान से चल के आए हैं। तो ये पांच पीर चावड़ी, यहाँ भी एक है और यहाँ भी एक है। और ये पूरा पांच पीर चावड़ी देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे। और ये चौक, और ये इधर का व्यू, और ये इधर का व्यू। और ये यहाँ एक बड़ा सा एक झंडा लगा हुआ, एक स्ट्रक्चर काफ़ी पुराना। और ये बाबा जी ने बताया कि यहाँ वजू खाना था, राजाओं के टाइम में वजू खाना था,
और आपने क्या नाम बताया? कमान, कमान इसका नाम है। और इन भाई को तो पता नहीं ये नाम, लेकिन ये यहाँ पर अरबी में कुछ लिखा है। और ये देखिए आप, मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो यदि आप अरबी पढ़ पाते हैं ज़रूर नीचे कमेंट करके बताएं। और ये देखिए पूरा ये पत्थर की कटाई करके लिखा हुआ है, ये ऊपर से नहीं लिखा हुआ, पत्थर की कटाई करके यानी पत्थर में गढ़ाई की गई इसको, ये ऐसे बोल सकते हैं। और ये पूरा अरबी में लिखा है। ये देखिए यहाँ इसको जूम आउट करते हैं, ये एक बड़ा सा गेट है और ताला लगा हुआ है, लेकिन ये अभी भाई बताते हैं कि ये गवर्नमेंट के अंडर में है, सफाई महानगर पालिका, यानी गवर्नमेंट ही हो गया, महानगर पालिका के अंडर में है। लेकिन बाबा जी ने जैसे बताया कि ये वजू खाना था पहले वजू खाना था, और ये पास में ही यहाँ पर ये मस्जिद है, ये मस्जिद है। तो ये राजाओं के टाइम में यहाँ पहले वजू बना करके और वहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए जाते थे, लेकिन अभी ये बंद है, अभी ये नगर पालिका के अंडर में है। और ये यहाँ का फेमस शरबत बासुंदी शरबत, ये भाई के पास हमने पिया अभी। ये पूरा सेटअप, ये दुकान इनकी, और ये भाई साहब जिन्होंने बासुंदी शरबत यहाँ पे लाया, ये इसी चौक के ऊपर रफीक भाई की दुकान के सामने ही। और इधर ये पांच पीर चावड़ी, और ये पांच पीर की दरगाह जिसके नाम से ये इलाका फेमस है, यहाँ का पांच पीर चावड़ी। ये अंदर मजार है, और जैसे अभी भाई ने बताया यहाँ के लोकल ने कि यहाँ पर पहले पांच कब्रें थी, वो नीचे चली गई, नीचे हैं, और ये ऊपर एक ही बना दिया, सामने जो दिखाई दे रहे हैं ये एक ही मजार बना दी, लेकिन इसका नाम पांच पीर चावड़ी, ये इसी में ये यहाँ लिखा हुआ भी है पांच पीर चावड़ी। और ये पांच पीर दरगाह से आते ही आगे ये चौक, और ये यहाँ का व्यू, और ये कि यहाँ पर मस्जिद, ऊपर झंडा लगा हुआ, और ये आगे मार्केट। आइए आगे चलते हैं। और एक और यहाँ मस्जिद, काफ़ी पुरानी लगती है ये भी, और ये यहाँ नाम लिखा है अहले सुन्नत वल जमात तख्ती दरवाज़ा मस्जिद इसका नाम। और इधर से हम घूम के देखें तभी, इधर से हम चल के आए हैं, और ये मस्जिद के अभी हम फ्रंट में आ गए मेन में। तो ये देखिए आप, 1862 में बनी हुई है मस्जिद, बहुत ही पुरानी तख्ती दरवाज़ा मस्जिद, ये मेन एंट्रेंस इनका। और ये सामने से देखें तो ये यहाँ पर लिखा हुआ, और ये दो मीनार ऊपर, और ये सामने का ही पूरा व्यू यहाँ का। और अभी हम इधर से चल के आए हैं, और ये झंडा लगा हुआ यहाँ, और ये यहाँ कोतवाली पुलिस स्टेशन, और ये सामने का मार्केट। और अभी हम इधर से मस्जिद से चल के आए हैं, आइए और आगे चलते हैं। और अभी माणिक चौक पे आ गए हैं, भाई ने अभी हमें ये नाम बताया है, हमारे पास ही बैठे हैं भाई, जिन्होंने कहा कि ये माणिक चौक है। और ये अंदर एक पुतला बना हुआ, और ये यहाँ का पूरा व्यू है, और सामने ही कोतवाली पुलिस स्टेशन था जहाँ से अभी हम चल के आए हैं। आइए और आगे चलते हैं। और ये यहाँ नवनीत भाई वारसीकर चौक, और ये ऊपर नगर बैंक। और इधर हम घूम के देखें तो इधर एक काफ़ी पुराना सा और बड़ा सा मंदिर इसी रोड के ऊपर, और ये यहाँ का पूरा व्यू। और अभी हम इधर से चल के आए हैं,
आइए और आगे चलते हैं। अभी इधर से हम चल के आए और ये कप्पड़ बाजार का कॉर्नर, ये आगे पूरा मार्केट, और इधर अभी जो माणिक चौक से आए ये माणिक चौक का रास्ता जा रहा है। आइए और आगे चलते हैं मार्केट के अंदर। और अभी इस कॉर्नर से चल के आए हैं और यहाँ से ये पूरा मार्केट शुरू होता है कप्पड़ बाजार। आइए और आगे चलते हैं। और अभी यहाँ पहुँच गए हम कोहिनूर के पास। काफ़ी बड़ा ये बिल्डिंग यहाँ बना हुआ है और प्रदीप सेठ गांधी मार्ग कोहिनूर पथ, ये यहाँ का पूरा व्यू। और अभी इधर से हम चल के आए हैं ये मार्केट सामने कॉर्नर से। आइए और आगे चलते हैं इधर। और इधर से अभी चल के आए हैं कोहिनूर के पास से, और ये यहाँ सामने की रोड के ऊपर भी मार्केट, और इधर भी ये पूरा मार्केट, काफ़ी भीड़ भाड़ वाला मार्केट। आइए और आगे चलते हैं इधर। और ये यहाँ घास गली, रिक्शा करीता, शाहजी राजे भोसले मार्ग, और ये यहाँ का पूरा व्यू, और ये सामने का मार्केट, और ये इधर भी मार्केट। अभी इधर से चल के आए हैं। आइए और इधर आगे चलते हैं ये साइड में मार्केट में। और अभी इधर इस मार्केट से चल के आए हैं और ये यहाँ इस चौक पे, यहाँ पे गाड़ियों का जाना बंद है इस रोड पे क्योंकि भीड़ भाड़ है, मेन मार्केट है। और ये चौक श्री संताजी महाराज जनपद, यहाँ ये नगर पालिका ने बोर्ड लगा रखा है। और ये सामने का रोड, और इधर ये इधर भी रोड, ये चार रास्ता यहाँ पर है। आइए और आगे चलते हैं। और ये तेली खुंद का इलाका जहाँ पे ये नाला मस्जिद, ये देखें आप, और ये यहाँ का व्यू। अभी इधर इस चौक से हमने देखा है और ये सामने एक बड़ी मस्जिद, दो मीनार वाली। आइए और आगे चलते हैं। और ये इसी चौक के ऊपर ये छोटा सा मंदिर, पीछे का पूरा खंडर हो गया है, देखिए आप, इधर भी टूट गया है, लेकिन ये बीच में छोटा सा एक मंदिर काफ़ी डिजाइनदार बना हुआ। और ये देखें आप, ये इसी रोड पे अभी इधर से हम चल के आए हैं। आइए इधर और आगे चलते हैं। अभी इधर से हम चल के आए और ये सरजेपुरा चौक पे हम पहुंच गए हैं। और ये यहाँ एक मंदिर, और ये पूरा चौक का व्यू। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, काफ़ी लंबा हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो यहाँ तक देखा। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।